शहर में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए आरटीआई की बैठक की गई, जिसमें उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई जो प्रदूषण को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस बैठक में सरकार की तय की गई गाइडलाइन के अनुसार अगले साल निर्धारित समय के बाद डीजल पेट्रोल से चलने वाले ऑटो विक्रम की जगह सीएनजी इलेक्ट्रिक ऑटो विक्रम को ही चलाने की मंजूरी मिलेगी। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि ऐसे कदम से शहर में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने में काफी सहूलियत मिलेगी। एक 11/2022 को हमारी आरटीए की बैठक हुई, जो कि कोरोना की वजह से काफ़ी 3.5 साल बाद हुई है, जिसमें कई मुद्दे थे, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी कुछ निर्देश दिए गए थे बैठक करने के, उन मुद्दों पर भी विचार किया गया। साथ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि देहरादून और ऋषिकेश शहर में हो रहे प्रदूषण में जो एनजीटी ने गाइडलाइन दे रखी है और सरकार ने जो एक टास्क फोर्स या एक प्लान बना रखा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन परिवहन विभाग कैसे करे, इसको देखते हुए कुछ निर्णय लिए गए।